हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ विजिटर वीजा टू वर्क परमिट के रिलेटेड फॉर कनाडा। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम, विजिटर वीजा पे अगर हम आ रहे हैं तो क्या हम उसको विजिटर वीजा को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब वर्क परमिट में, या क्या प्रोसेस रहता है एंड ऑल दैट। तो आज ये सारी वीडियो उसी टॉपिक के रिलेटेड होने वाली है, कौन कौन से तरीके होते हैं आपके विजिटर वीजा, और आजकल जो है विजिटर वीजा का प्रोसेसिंग टाइम वगैरह बहुत ही ज्यादा हाइक पे है। तो वही चीजें सारी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो। अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, किसी चीज को लेके कोई डिस्कशन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जिसका लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विजिटर वीजा का जो प्रोसेसिंग टाइम है आजकल वो क्या चल रहा है। गुड न्यूज है कि विजिटर वीजा का प्रोसेसिंग टाइम बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, जैसे कि पहले होता था। 28 डेज का प्रोसेसिंग टाइम ऑन द वेबसाइट बता रखा है, बट जो विजिटर वीजा है वो काफी जल्दी, मतलब प्रोसेस हो रहा है, बहुत ही जल्दी आ रहा है। क्योंकि बहुत सारी न्यूज मैंने भी पर्टिकुलरली शेयर करी है जो इमिग्रेशन मिनिस्टर की तरफ से थी, आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी है उनकी स्पीच, जिसमें उन्होंने बार 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 यही बोला है कि वी नीड इमिग्रेंट्स, वी नीड टूरिस्ट पीपल टू ग्रो द इकोनॉमी। तो विजिटर वीजा को वो डिनाई नहीं कर रहे हैं। विजिटर वीजा जो है उसका सक्सेस रेट काफी ज्यादा बढ़िया चल रहा है, ठीक है जी। और उसके बाद दूसरी बात आती है विजिटर वीजा को जो है वर्क परमिट में कन्वर्ट करने की। विजिटर वीजा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। एक जो मेन तरीका सबको ही मालूम है वो है हमारा LMIA, कि आप अगर आते हो, आपके पास विजिटर वीजा है, आप एम्प्लॉयर ढूंढ लो, एम्प्लॉयर ढूंढ के वो आपको LMIA दे देगा। कई एम्प्लॉयर के पास प्री अप्रूव्ड LMIA होती है, मतलब कि उन्होंने पहले ही अप्रूव करा रखी होती है। जब आपको LMIA चाहिए होती है तो फिर वो LMIA पे आपका नाम डलवा देते हैं, ठीक है जी, उसको बोलते हैं प्री अप्रूव्ड LMIA। कई होती है कि उनके पास LMIA है बट अभी अप्रूव्ड नहीं है, वो आपके नाम पे ही अप्रूव कराते हैं, राइट। तो दूसरा, ये तो बेसिकली जो मेन बेसिक तरीका है। अब आप लोग बोलोगे ये तो हम सबको ही पता है, जो मुझे, क्योंकि LMIA आजकल बहुत ज्यादा महंगी बिक रही है, मतलब कोई 40,000 चार्ज कर रहा है, कोई 50,000 चार्ज कर रहा है, बट अब बात ये है कि एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, ऑब्वियसली, लाइक दैट इज टू मच। मैं भी पर्सनली यही मानती हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा पैसे हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि व्हाट इज द अदर ऑप्शन डू वी हैव। अदर ऑप्शन आपके पास ये होती है कि वो भी बेसिक ही ऑप्शन है कि आप अपना विजिटर वीजा को स्टडी परमिट में कन्वर्ट कर लो। स्टडी परमिट के चांसेस वैसे तो मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलता, बट वो ज्यादा सही तरीका रहता है। बट हाँ, बात एंड में वही आती है कि आपको पहले स्टडी करके फिर वर्क परमिट लेते हो, फिर उसके बाद आप अपनी PR अप्लाई करते हो, तो पैसे ऑलमोस्ट सेम ही लग जाते हैं। क्योंकि जब आप अपने विजिटर वीजा को स्टडी परमिट में कन्वर्ट करोगे तो उसमें भी आपके पैसे लगेंगे, राइट। फिर उसके बाद आपको अपनी फीस पे करनी है। दी ओनली चीज जो मुझे लगता है आपकी बचेगी वो है आपका GIC, कि आपको GIC में पैसे शायद नहीं शो करवाने पड़ेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी कनाडा में होंगे, विजिटर वीजा होगा, तो सिर्फ आप कन्वर्जन करवा रहे हो, अपना विजिटर वीजा जो है स्टडी परमिट में कन्वर्ट करा रहे हो, ठीक है। बाकी आपके पैसे मुझे लगता है सेम ही लग जाते हैं, और उसके बाद आपका 3 साल का वर्क परमिट मिल जाता है अगर आप 2 साल की स्टडी करोगे। एक ये तरीका रहता है, और जो मेन तीसरा तरीका मैं आपको आज बताने वाली हूं वो है RNIP प्रोग्राम, यानी कि रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम, जिसके अंडर आप अपनी जो है वर्क परमिट ले सकते हो और अपनी डायरेक्ट PNP के थ्रू PR ले सकते हो। तो ये प्रोग्राम ऐसा है कि ये रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम में बहुत सारी कम्युनिटीज आती हैं। ज्यादातर लोग आजकल, अगर हम ओंटेरियो की भी बात करें, तो ओंटेरियो में भी कुछ कम्युनिटीज हैं जो रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम में आती हैं, जैसे कि थंडर बे, टिमेन, सडबरी, इधर वाली साइड्स, राइट। वो साइड्स इसीलिए, मतलब कम्युनिटीज आती है क्योंकि उन साइड में लोग कम जाते हैं, और ओंटेरियो का ये जो GTA एरिया है, जो इस साइड का एरिया है, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है और लोग यहाँ पे ही आ रहे हैं, मतलब कि किचनर, कैम्ब्रिज, टोरंटो, स्कारब्रो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, मिल्टन, हैमिल्टन, मतलब ये सब भर चुका है भाई, मतलब
इन्हीं जगह पे आई जा रहे लोग, राइट। और गवर्नमेंट चाहती है कि जो ओंटेरियो का या फिर किसी और प्रोविंसेस का भी, इसमें रूरल एंड नॉर्दर्न में अल्बर्टा में भी कम्युनिटीज आती हैं, बीसी में भी आती हैं, और भी जगह पे कम्युनिटीज इसमें ऐड हुई हैं, ठीक है। बट ओंटेरियो में भी जैसे तीन चार कम्युनिटीज ऐसी हैं जो इसके इस प्रोग्राम के अंडर आती हैं, जिसके अंडर आप अपनी पीएनपी या पीआर ले सकते हो। तो पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए या ओंटेरियो के इस एरिया को भी डेवलप्ड करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम निकाला है, जिसका एंड होने वाला है नेक्स्ट ईयर 2024। मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाके आप देख सकते हो पुरानी वीडियो भी। बट ये प्रोग्राम के अंडर भी अगर आपको जॉब ऑफर मिल जाती है तो आप अपना जो है विजिटर वीजा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करा के अपनी पीएनपी ले सकते हो। ये मुझे सबसे आसान तरीका लगा, इसमें आपको किसी एम्प्लॉयर को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और अगर हम आयल्स की बात करें, अगर आप आउटसाइड ऑफ, क्योंकि दो तीन तरीकों से वर्क परमिट मिलता है, एक तो जब आपको मान लो कोई जॉब लेटर मिल जाएगी, ठीक है, जैसे ऐसे एलएमआई एग्जेम्पशन के प्रोग्राम भी होते हैं जिसके अंडर आप अपनी वर्क परमिट जो है ले सकते हो, ऐसा ही ये वाला प्रोग्राम है जिसके अंडर एलएमआई एग्जेम्प्ट करके आपको वर्क परमिट मिल जाता है। उसमें क्या होता है कि जब आपको आपका एम्प्लॉयर जब आपको आपका एम्प्लॉयर जॉब ऑफर लेटर दे देगा, आप अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। अगर एलएमआई मिलती है तो एलएमआई के ऊपर वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, राइट। वर्क परमिट या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या फिर आप बॉर्डर पे जाके भी ले सकते हो। अब यहाँ पे आयल्स की कई लोगों को दिक्कत आती है, आयल्स के स्कोर कितने चाहिए होते हैं। वैसे तो मैं ये पूरी रिक्वायरमेंट वाली वीडियो की आरएनआईपी प्रोग्राम के लिए मेन रिक्वायरमेंट्स क्या है वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो चैनल को। नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे आने वाली है कि आरएनआईपी प्रोग्राम के अंडर अगर आप अपनी पीएनपी ओंटेरियो में पीआर लेना चाहते हो तो कैसे ले सकते हो, क्या रिक्वायरमेंट है आरएनआईपी की, राइट। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक आप जुड़े हुए हो हमारी वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो दो तरीके जैसे मैंने आपको बताया कि एक बॉर्डर पे जाके और एक ऑनलाइन, राइट। अगर आप बॉर्डर पे जाते हो, अगर आप समहाउ ऑफिसर को कन्विंस करने में सक्सेस हो जाते हो कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लैंग्वेज में, आपके पास अगर आयल्स नहीं है तो आप अगर ऑफिसर को कन्विंस कर लेते हो कि मेरा एम्प्लॉयर को मेरी जरूरत है, ये मेरे पास एलएमआई है, एम्प्लॉयर को मेरी जरूरत है और मैं उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा हूं या कर रही हूं जो भी उसको चाहिए रिक्वायरमेंट्स, तो इसीलिए मेरे को जो लैंग्वेज की कोई इश्यू नहीं आएगा, राइट। तो कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं जो आपको डेफिनेटली जो है आपकी बात को मानते हुए बिना आयल्स के या फिर बिना इस चीज की रिक्वायरमेंट के आपको वर्क परमिट दे सकते हैं। बट अगर ऑब्वियसली ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं रहती है, राइट। तो ये था मतलब प्रोसेस ऑल थ्रू, दो तीन ऑप्शंस मैंने आपको बताई कि आप अपना जो वर्क परमिट कैसे ले सकते हो फ्रॉम विजिटर वीजा टू वर्क परमिट। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे, मुझे पता है ये वीडियो सुनने के बाद। जो भी आपके क्वेश्चंस है आप मुझे डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, हमारा इंस्टाग्राम जाके फॉलो कर लो, कनेडियन देसी ब्लॉग्स करके ही हमारा इंस्टाग्राम का भी चैनल का नाम है, पेज का नाम है, उसको जाके फॉलो कर लो। कोई भी क्वेश्चन होता है तो मुझे वहां पे मैसेज कर दिया करो। फेसबुक पे मैं बहुत कम एक्टिव रहती हूँ। अब आप सोचोगे कि फेसबुक पे मेरी वीडियोस तो रोज ही आती है, मेरा फेसबुक मेरे इंस्टाग्राम से लिंक्ड है, मैं कोई भी चीज इंस्टाग्राम पे डालती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली फेसबुक पे अपलोड हो जाती है, मैं अलग से जाके अपलोड नहीं करती हूँ। मैं फेसबुक बहुत कम यूज करती हूँ और फेसबुक पे जो मैसेजेस होते हैं वो भी मैं मतलब महीने में एक आधी बार मुझे लगता है चेक करती होंगी, क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं रहता। जब कभी मुझे ऐसे एकदम से ध्यान आता है कि वो मैंने फेसबुक तो देखी नहीं, तब जाके मैं फेसबुक ओपन करती हूँ। इसलिए बहुत सारे लोगों को मतलब वो हो रहा होगा कि हम इतने मैसेज करते हैं आप रिप्लाई नहीं करते हो, तो मैं इसीलिए रिप्लाई नहीं करती हूँ फेसबुक पे अगर आप मैसेज करते हो, क्योंकि मैं देखती ही नहीं हूं। अगर मैं कभी देखती हूं तो मैं मैसेज का रिप्लाई कर देती हूँ, बट इंस्टाग्राम पे मैं ज्यादातर एक्टिव रहती हूँ, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर लिया करो या फिर आप मुझे कॉमेंट करके पूछ लिया करो। ये दो मेरे प्लेटफॉर्म जो है जिनपे मैं ज्यादा मतलब एक्टिव रहती हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो जैसे मैंने बोला आरएनआईपी की रिक्वायरमेंट के ऊपर आने वाली है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय।